हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस समय देश के सभी राज्यों में आंगनबाड़ी आशा बहनें अपनी वेतन बढ़ोतरी को लेकर लगातार संघर्ष कर रही हैं और राज्य सरकारें जो है वो बहनों का वेतन नहीं बढ़ा रही हैं। कुछ राज्यों में नाम मात्र का वेतन जो है वो आंगनबाड़ी आशा बहनों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहनों का जो हक है न्यूनतम वेतन का, वो उन्हें मिलना बेहद आवश्यक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनबाड़ी आशा बहनों के लिए दो बड़ी खबरों के बारे में, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहली खबर हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी आशा और आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में सरकार ने बढ़ोतरी की है। आशा कार्यकर्ता के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 500 और सहायिका के मानदेय में 300 रुपये की बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया और बजट में मानदेय बढ़ोतरी की है। 53,000 से अधिक आंगनबाड़ी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया वेतन। ये बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 53,000 से अधिक आंगनबाड़ियों में काम करने वाली हजारों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा मिला है। बढ़ा हुआ वेतन इसी चालू माह मार्च 2020 से लागू हो जाएगा। होली के त्यौहार के पहले आई इस खबर से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। यहाँ जानिए किस स्तर के कर्मचारी का कितना वेतन बढ़ा है। गुजरात सरकार ने बजट में किए गए वादे को पूरा करते हुए शुक्रवार को राज्य के 53,000 से अधिक आंगनबाड़ी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 300 से लेकर 600 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आंगनबाड़ी वर्कर लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। आंगनबाड़ी में काम करने वाली 50,000 से अधिक महिला कर्मचारियों को अब 7800 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। पहले उन्हें 7200 रुपये वेतन मिलता था, यानी गुजरात के अंदर अब आपको 7800 रुपये वेतन कार्यकर्ता को मिलेगा। पहले कार्यकर्ता का वेतन 7200 रुपये था। सरकार ने 600 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें मासिक वेतन 4400 रुपये दिया जाएगा। 53,000 से अधिक आंगनबाड़ियों को होगा इसका फायदा। अब अगर बात करें आंगनबाड़ी वर्करों से सुपरवाइजरों की तरक्की 1 महीने में होगी, ये बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। अरुणा चौधरी, पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने आंगनबाड़ी वर्करों से सुपरवाइजरों की तरक्की 1 महीने में करने का सैद्धांतिक तौर पर फैसला लिया है। यह खुलासा गुरुवार को यहाँ कैबिनेट मंत्री ने आंगनबाड़ी वर्करों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सिविल सचिवालय में अपने कार्यालय में बैठक के दौरान किया। यहां जारी एक प्रेस बयान में अरुणा चौधरी ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्करों के सभी खाली पदों को तय समय पर भरा जाएगा, जबकि सभी योग्य आंगनबाड़ी वर्करों को 1 महीने में सुपरवाइजर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए इमारतों का किराया भी बढ़ाने की सहमति दी है। चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि वह वर्करों का मानदेय बढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि हरेक सेंटर में वर्करों की उपलब्धता में संतुलन बनाने के लिए रेशलाइजेशन नीति लागू करने का आदेश दिया गया है। तो अब पंजाब के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 महीने के अंदर अंदर सुपरवाइजर पद पे जो है वो प्रमोशन होगा, जो योग्य बहनें होंगी। इसके अलावा वहाँ पे वेतन बढ़ोतरी का भी सरकार ने फैसला लिया है, जल्द ही वो भी लागू कर दिया जाएगा। तो बहनों, हमारे देश के 3 राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को अच्छी खबर मिली है। अगर अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार होता है तो बहनों के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। तो इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।